सरकार ने सबको पैकेज दिया कोरोना में, और आप कलाकारों को कोई नहीं मिला, उनको लेकर आप थोड़ी निराशा है या खुशी है? सरकार को बहुत सारे काम है, एक ही काम नहीं है, ठीक है, और हम अपनी मेहनत पे सब कुछ कर सकते हैं। अगर सरकार अगर हमें नहीं भी देना तो उसका हमें गम नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे काम है, बहुत सारे नियम वगैरह सब उनका पालन करना पड़ता है, और बहुत सारे ये जैसे मुख्यमंत्री और सब उनके नीचे चलते हैं, ठीक है, तो उन सबको देख रेख में करते हुए तो कलाकारों की तरफ ध्यान बहुत कम लोगों को जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर वो हमारी मदद नहीं करे ना, तो भी हम अपने बलबूते पे खड़े होकर हम अपना काम कर सकते। वो बहनों जुड़ियों रही, वो राजस्थान में हमारे धूम मचा दिए, वही बहनों हमारे थके उभी कोरोना काल कहरा दन गुजरिया, और जालोर सीते रमाए एक शाम माजी सारे नाम कार्यक्रम रखे होने तू बातचीत करो। सिंगिंग लाइन में आए हुए 13-14 साल हो गए, हम 7 साल के थे तब से हमने सिंगिंग की है, और जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और भाई भी नहीं है मेरे, जब पापा की डेथ हो गई थी तब घर में कुछ सहारा नहीं था हमारे, तो फिर हम दोनों ने गाना सीखा, नाचना सीखा, और धीरे 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 ये फिर हमारे बहुत आगे बढ़ा, और माजी सा ने हमें इस स्तर पर पहुंचा दिया। आपने गुरु कौन भाई, काफ़ी लोगों मन में भाई जैसे आपकी पीड़ा देखी रे बन में, आपने तो महसूस हुई काफ़ी यारी जो बच्चे हो भाई, उन्होंने अपने टैलेंट बहुत है, वे आगे नहीं आ रही, वर्णन आपका संदेश दीजिए। देखो हमारे गुरु तो मेरी सबसे बड़ी बहन, वही हमारी गुरु है, और उसके बाद फिर सुरेश भाई ओसवाल, जिन्होंने हमें स्टेज पे किस तरह से गाते हैं, किस तरह खड़े रहते हैं, उन्होंने हमें सब सिखाया। आप भी बताओ आपनो नाम का है और अनोर नाम का है, काफी लोग टेंशन में, प्रिया है या प्रिया है? मेरा नाम प्रिया है, प्रिया चौहान, प्रीति चौहान। ये कोरोना काल स्थिति में मैं आप पार्ट टाइम का कॉमिक हूं और सिंगिंग के अलावा फेसबुक लाइव आते थे, और फिर उसके बाद मैं रिहर्सल करते थे, पढ़ाई करते थे, प्रैक्टिस करते थे, और मैं सिलाई मशीन का सीख रही थी बस। और एक चीज़ आप बताओ, अपने राजस्थान में बेटियों ने कम माने, बेटियों ने बड़े मंच नहीं मिलते, अपने मारवाड़ी लोगों के पन्नावेन का करना है, पढ़ाई डन है, वनी लेन आपका करो। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह आप बेटों को पढ़ाते हो लिखाते हो, तो बेटे तो शादी के बाद माँ बाप को भूल जाते हैं और नहीं अपने माँ बाप को रखते हैं, और बेटियाँ जो होती है वो ससुराल में होती है लेकिन फिर भी है ना अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलती है। तो मैं तो आप सभी से यही गुजारिश करती हूँ कि बेटियों को ज़्यादा प्रोत्साहन दे और पढ़ाई में आगे बढ़ाई, वो अगर पढ़ाई करेगी तो आपका भी नाम रोशन होगा, और ना ही वो आपकी है ना नाक कटवाने देगी, क्योंकि बेटे जो होते हैं वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और फिर जब शादी हो जाती है तब बीवी के प्यारे हो जाते हैं, लेकिन बेटियां जो होती है चाहे ससुराल में हो या पियर में, वो अपने माँ बाप को अपने घर परिवार को कभी नहीं भूलती और उनकी सेवा हमेशा करती रहती है। आप जो सिंगिंग लाइन में आए उनका तो टाइमिंग हुई है, और बेटियों वास्ते स्पेशल कोई गीत या कोई विमोचन कराइयो? हमें सिंगिंग लाइन में आए हुए 13-14 साल हो गए, हम 7 साल के थे तब से हमने सिंगिंग की है, और जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, और भाई भी नहीं है मेरे, जब पापा की डेथ हो गई थी तब घर में कुछ सहारा नहीं था हमारे, तो फिर हम दोनों ने गाना सीखा, नाचना सीखा, और धीरे 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 ये फिर हमारे बहुत आगे बढ़ा, और माजी सा ने हमें इस स्तर पर पहुंचा दिया। आपने गुरु कौन भाई, काफ़ी लोगों मन में भाई जैसे आपकी पीड़ा देखी रे बन में, आपने तो महसूस हुई काफ़ी यारी जो बच्चे हो भाई, उन्होंने अपने टैलेंट बहुत है, वे आगे नहीं आ रही, वर्णन आपका संदेश दीजिए। देखो हमारे गुरु तो मेरी सबसे बड़ी बहन, वही हमारी गुरु है, और उसके बाद फिर सुरेश भाई ओसवाल, जिन्होंने हमें स्टेज पे किस तरह से गाते हैं, किस तरह खड़े रहते हैं, उन्होंने हमें सब सिखाया। और आगे बढ़िया कोरोना काल रे बाद में वो पहला कार्यक्रम है या और भी कोई कार्यक्रम की दो आप? कोरोना काल के अंदर तो ये बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन स्टेज लेवल के कार्यक्रम शायद 4-5 ही हुए हैं। ये आज नवाज देखी जो आपने लागू की, जो कोरोना में ओपन नहीं की दू और अनशाला में करवा कोशिश करी थी, यहाँ पर भक्तों की भीड़ और जो प्यार और स्नेह जो मिला है वो कोरोना काल में नहीं मिल रहा था कहीं, और अब मिला है हमें सब। कोरोना काल में आप भजन के प्रति लोगों ने कन टाइप की जागरूक हो कि शिक्षण लेन करे हो, धन दौलत ने लेन करे हो, या परिवार ने संतोष रखवा रहे हो, क्योंकि आप हमेशा भजन के माध्यम थी हजारों लोग चाहे कतु भी पढ़ी लिखी हुई कतु भी घर में पिया हुई आप जो भजन गाओ अंत में मंच माते आप रहो और नीचे पब्लिक बैठी रहे, आप रो संदेश का रही आम जनता आज वर्तमान में कोरोना बाद? कोरोना के बाद तो यही संदेश है कि कोरोना में ज़रूरतमंदों की मदद करो, और जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दो, और फिर जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाएं और उनको बढ़ावा दें बस। सरकार ने सबको पैकेज दिया कोरोना में, और आप कलाकारों को कोई नहीं मिला, उनको लेकर आप थोड़ी निराशा है या खुशी है? सरकार को बहुत सारे काम है, एक ही काम नहीं है, ठीक है, और हम अपनी मेहनत पे सब कुछ कर सकते हैं। अगर सरकार अगर हमें नहीं भी दे ना, तो उसका हमें गम नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुत सारे काम है, बहुत सारे
नियम वगैरह सब उनका पालन करना पड़ता है, और बहुत सारे ये जैसे मुख्यमंत्री और सब उनके नीचे चलते हैं, ठीक है, तो उन सबको देख रेख में करते हुए तो कलाकारों की तरफ ध्यान बहुत कम लोगों को जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अगर वो हमारी मदद नहीं करे ना, तो भी हम अपने बलबूते पे खड़े होकर हम अपना काम कर सकते हैं। लास्ट टू लड़े में आपने एक बात कहूँगे, मारवाड़ी चैनल खोलिए, आम जनता ने जागरूक, क्योंकि अपनी मातृभाषा ने अपनी संस्कृति डूबे रही, बच्चों था भी नहीं है, सुबह उठते हमारे गुड मॉर्निंग हाय हेलो जारी बात करे, अपनी मातृभाषा ने अपनी मारवाड़ी संस्कृति जरे पगड़ी देखी जा रही है, छापो है अपने सब चीज़ों ने आप देखे दिया, मन टाइप आपने कहा महसूस जरिए, क्योंकि मारवाड़ी चैनल खोलिए आम जनता वास्ते। देखो कि ये जो मारवाड़ की संस्कृति है, इससे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी और संस्कार भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन अगर माँ बाप ने अगर अपने औलाद को अगर बेसहारा कर दिया और उनको अपने ही हाल पे छोड़ दिया ना, तो फिर बाद में ये दुनिया जैसी अब है वैसी बाद में नहीं रहेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जेरबी जी जी जुड़िया रे, बाद में पक्का कोई चर्चा हुई मारवाड़ी, मिठालाल जी फालना टे जुड़िया अनोटी रे मारवाड़ी ओ का मोड़ी टू हारो कार्यक्रम माजी सारी भक्ति है। बिल्कुल, और हमको कोरोना काल के अंदर कार्यक्रम बहुत कम मिले, छोटे से कार्यक्रम मिले, घरेलू कार्यक्रम मिले, मगर जो आज हमको जो बड़ा ये मंच मिला है कोरोना काल के बाद में, ये माजी साहब की असीम कृपा से मिला और जालौर के अंदर आने का हमको मौका मिला। मारवाड़ी कोरोना काल में जरी छुट्टी पड़ी, कोई नहीं खींची बनाए, कहीं पापड़ बनाए, आपका बनाइयो। कोरोना काल के अंदर तो हमारा जो घरेलू धंधा हमने किया, खींचा पापड़ तो हमारे घरे जो लुगाया है वह बनावती नहीं वन टाइम आपने बारे भी एक सीजन थी के पे ऑफिस धूको कतई न कतई खाली नहीं बैठो, मारवाड़ी भाषा में कहावत है कि खाली भी है जे ठंड है जे बढ़िया पानी रमाए तो मुंह ना आवे, हालता पानी में कभी मुंह ना आती नहीं है भाई। घर में हमने महिलाओं के साथ में हेल्प कर रही ना, परिवार के साथ में पूछू भाभी जी को, भाभी जी को पूछिए आप। अबर जो कार्यक्रम आ लेडियो अनमें पहला रो संदेश का वे तो, और हमें जो कोरोना बाद में स्थिति खराब हुई, कई लोग परेशान हुए, कई लोग रोजगार चेंज करो, कई देशावर्ती हटाए, कोई अटारती देशावर जा रही है, आज उसमें रही है वन आपका संदेश दिया मारवाड़ी माध्यम थी। संदेश तो क्या है यार, सभी अभी कोरोना काल में सब लोग दुखी थे, सबके धंधे बैठे हुए थे, बाहर जो लोग कमा रहे हैं वो भी घर पे आए, अब जाके कई लोगों को अब धंधा छोटा मोटा मिला है वापस, वो वहाँ पर पहुँचे और अपने कारोबार को संभाल रहे हैं।